ये लोग फिश ऑयल के नाम पे पाम ऑयल बेचते हैं, 100% पाम ऑयल। अब इसको फिर से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करने के कौन एक्सपेंसेस इतने झेलेगा, इससे अच्छा है कि इसको एथाइल एस्टर में ही बेच देते हैं। इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जा रहा है और जनता को क्या ही पता चलेगा, इनको क्या ही पता है। जो सही गेस करेगा उसको मैं अपनी तरफ से कुछ सप्लीमेंट गिफ्ट करूंगा। प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं। और सप्लीमेंट इंडस्ट्री का ये समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, जो FAQs होते हैं आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनमें से एक ये क्वेश्चन रहता है कि भाई फिश ऑयल की पहचान कैसे करें कि जो फिश ऑयल हम ले रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर जब हम मार्केट में हम फिश ऑयल लेने जाएँ तो हम कैसे चेक कर पाएंगे कि कौन सा फिश ऑयल हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों के अराउंड हम बातें करेंगे। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, और सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को सप्लीमेंट की ओर आगे लेके चलूं, सबसे पहले मैं एक बेसिक क्लियर करना चाहूँगा कि यदि आपके डाइट में अच्छे अमाउंट में फिश, फैटी फिश है, आप रेगुलर बेसिस में फैटी फिश कंज्यूम कर पा रहे हो, तो यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फिश ऑयल सप्लीमेंट, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट जो आपका है वो अपने आप पूरा हो रहा है डाइट से। बट सप्लीमेंट काम कहाँ पर आता है, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं हमारे इंडिया में वो फिश उतना रेगुलर बेसिस में कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और अगर करते भी हैं कंज्यूम तो फिर बहुत 50-60-100 ग्राम कंज्यूम कर पाते हैं, तो वो समझिए कि आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा जितना आपको मिलना चाहिए। और कई सारे लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, यानी कि फ़िश कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और कई ऐसे हैं जो फ़िश खा नहीं पाते उतना ज़्यादा। तो ऐसे सब जो लोग हैं उनके लिए बहुत हैंडी हो सकता है फ़िश ऑयल का सप्लीमेंट। अब फ़िश ऑयल के या फिर जो ओमेगा थ्रीज़ हैं आपके, ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं, उनके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आपको ओवरऑल आपके शरीर को ये अच्छा रखता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है, आपके आइज़, स्किन, बोन्स, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन को कम करता है, मसल्स में से इन्फ्लामेशन कम करता है, रिकवरी को बूस्ट करता है आपकी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, तो इसीलिए इसका कंजम्पशन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब लोग पूछते हैं कि जैसे सप्लीमेंट शुरू होता है तो मतलब इसको कब तक खाना है, ओमेगा थ्री हम फिश ऑयल खा रहे हैं तो कब तक खाएं। देखिए, अगर आपको अच्छे से फंक्शन करते रहना है तो इसको रेगुलर बेसिस में लाइफ लॉन्ग कंज्यूम करना पड़ेगा आपको। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई इसका कोर्स चला करके छोड़ दिया, अरे भाई ज़िंदा रहना है तो खाना पड़ेगा ही ना। उसी तरह से अच्छी लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदा रहना है तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स खाने पड़ेंगे, और कब तक खाने पड़ेंगे, जब तक भाई आपको अच्छा रहना है तब तक खाने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम फिश ऑयल की पहचान कैसे करें, फिश ऑयल सप्लीमेंट की, ओमेगा थ्री सप्लीमेंट की, कि वो सही है या नहीं है। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर जो आ जाता है वो है हैवी मेटल्स। मार्केट में मैक्सिमम ओमेगा थ्री फिश ऑयल सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो हैवी मेटल्स से कंटेमिनेटेड हैं, मरकरी, आर्सेनिक, ये सब जो हैवी मेटल्स हैं वो उनमें मिलते हैं। और हैवी मेटल्स वाले फिश ऑयल अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इन द लॉन्गर रन, जो कि आप नहीं चाहोगे। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका ओमेगा थ्री फिश ऑयल जो है वो हैवी मेटल फ्री है या नहीं है, या क्या वो टेस्टेड है या नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप चेक करना चाहोगे कि उसका सोर्स क्या है ओमेगा थ्री का। ओमेगा थ्री देखिए ऐसे ही कहीं से भी आ रहा है तो फिर वो मतलब कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। यूजुअली 2-3 ऐसे सोर्सेज होते हैं ओमेगा थ्री के जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए कि अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका सार्डीन, सार्डीन फिश से अगर आपका ओमेगा थ्री आ रहा है देन इट्स गुड। सैमन, सैमन से आ रहा है तो अगेन इट्स वेरी गुड। और मैकरल जैसी फिश से आ रहा है तो अच्छा है। बाकी अगर आपकी सप्लीमेंट कंपनी जो है वो इस बात को लेकर बड़ा स्केप्टिकल है कि उनका फ़िश ऑयल कहाँ से आ रहा है, क्लियरली बता नहीं रही है, अपनी वेबसाइट में कहीं नहीं लिखा हुआ, और आप उनको कस्टमर केयर में पूछ रहे हो तो आपको बताने से मना कर रही है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कहूँगा वो है आपका फॉर्म, आपका जो ओमेगा थ्री फिश ऑयल सप्लीमेंट है वो किस फॉर्म में आ रहा है, क्या वो एथाइल एस्टर फॉर्म में आ रहा है या फिर वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, मार्केट में 90% से ज़्यादा ओमेगा थ्री सप्लीमेंट्स जो हैं वो सब एथाइल एस्टर फॉर्म में हैं। एथाइल एस्टर फॉर्म, देखिए ट्राइग्लिसराइड फॉर्म वो फॉर्म होता है जो फिश में नेचुरली अकर होता है, जो आपका ओमेगा थ्री फिश ऑयल है वो नेचुरली ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में अकर होता है, लेकिन वो उसको कहिए वो स्कैटर्ड फॉर्म होता है। तो उसको कंसनट्रेट करने के लिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उसमें EPA DHA को कंसनट्रेट करने के लिए, अनकंसनट्रेट फॉर्म रहता है जो नेचुरली अकरिंग आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको कंसनट्रेट करने के लिए उसको एथाइल एस्टर में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। ये एक मैंडेट समझिए, ये करना पड़ता है। अब कायदे से उसको एथाइल एस्टर में कन्वर्ट करने के बाद में कंपनीज को वापस से उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करना चाहिए उसको बेचने से पहले,
इन प्रोडक्शन ओनली। लेकिन कई सारी कंपनी सोचती हैं कि हमारे पास में ऑयल तो आ गया, अब इसको फिर से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करने के कौन एक्सपेंसेस इतने झेलेगा, इससे अच्छा है कि इसको एथाइल एस्टर में ही बेच देते हैं, इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जा रहा है और जनता को क्या ही पता चलेगा। इनको क्या ही पता है। बट प्रॉब्लम आप में से एंड यूज़र्स को होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में और जो कहते हैं कि हमको फिश ऑयल जो है सही से पचता नहीं है, फिश ऑयल से हमको अपच हो जाती है, हमारे स्किन में रेडनेस हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, हेडेक तक हो जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है, तो फिश ऑयल हमको जो है वो फ़ायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, लाभ दे रहा है हानि दे रहा है। तो ये सबको तो नहीं होता बट मोस्टली लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और वो इसलिए होता है क्योंकि वो एथाइल एस्टर फॉर्म में उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो इसीलिए आपको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म का फिश ऑयल चूज़ करना चाहिए। अगेन, अगर आपकी कंपनी क्लियरली मेंशन नहीं कर रही है कि उनका ट्राइग्लिसराइड फॉर्म है या नहीं है, तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, गर्व करने वाली चीज़ है, कंपनी को इसको गर्व के साथ रखना चाहिए कोई ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में बना रहा है तो। यदि नहीं रख रहे हैं, वो अपने लेवल पर नहीं रख रहे हैं, अपनी वेबसाइट में नहीं रख रहे हैं और आपको वो मेल्स में नहीं रिप्लाई कर रहे हैं कौन सा फॉर्म में है, देन अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट द ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, इट्स एथाइल एस्टर फॉर्म विच इज़ वेरी चीप एंड हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि तो भाई ये बताओ कि मार्केट में कौन से ऐसे फिश ऑयल हैं जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आ रहे हैं। देखो, गिनी चुनी कंपनीज हैं इंडिया में जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में फिश ऑयल आपको दे रही हैं। अब उनमें से एक कंपनी मैं आपको आज बता देता हूँ, उसका नाम है प्रैथफिट। तो प्रैथफिट का पोटेंट ओमेगा 3 फिश ऑयल आपको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में मिलता है, जो कि इसका USP है। और ये बाकी के जो ब्रांड्स हैं जो एथाइल एस्टर में आपको फिश ऑयल दे रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि EPA DHA उन्होंने बढ़ा रखा है। अब देखिए, EPA DHA का भी एक आपको लॉजिक बता देता हूँ। EPA DHA इतना ज़्यादा बढ़ा के देना, और स्पेशली जब आपका जो ऑयल है वो एथाइल एस्टर फॉर्म में है, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एट दी एंड आपका ऑयल की जो क्वालिटी है वही चीप है, तो उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होना ही नहीं है। सो इससे बेटर यह है कि EPA DHA पे फोकस ना करके फॉर्म पे जिस ब्रांड ने फोकस किया हुआ है आप उसको चूज़ करें। और EPA DHA की बात आ गई है, तो EPA DHA जो है वो आपको ये देखना है कि कोई भी ब्रांड अगर आपको दे रहा है तो उसका पर सर्विंग EPA DHA 500 mg दोनों कंबाइंड एटलीस्ट होना चाहिए। रही बात प्रैथफिट की, तो इसका इसके ऊपर ही है, पर सर्विंग में आपको इसमें 2000 mg फिश ऑयल मिल जाते हैं, जिसमें 350 mg EPA और 250 mg DHA के आसपास ही देता है। तो ये जो प्रैथफिट का पोटेंट ओमेगा 3 है, इसकी स्पेशलिटी ट्राइग्लिसराइड तो बताई ही मैंने आपको। दूसरा इसमें कि इसमें पायरेसी के चांसेस बहुत कम है। इसमें आपको वेरिफिकेशन का कोड भी मिलता है, जिसमें आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। और क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है, तो इस पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, लॉन्च प्राइस चल रहा है इसका बहुत कम, जो कि कुछ टाइम में बढ़ने वाला है, तो बेटर होगा कि आप लोग अभी इसका लाभ उठा लें, बाकी आगे की मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। और एक और बात मैं आपको ऐड करना तो भूल गया कि कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो तो इथाइल एस्टर फॉर्म में भी फिश ऑयल नहीं देते। आप समझ रहे होंगे मैं कैसे किन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। ये लोग तो इथाइल एस्टर फॉर्म क्या, ये लोग फिश ऑयल के नाम पर पाम ऑयल बेचते हैं, 100% पाम ऑयल। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स में गैस करके बताओ मैं किस सप्लीमेंट ब्रांड की बात कर रहा हूँ या कंपनियों की बात कर रहा हूँ। जो सही गैस करेगा उसको मैं अपनी तरफ से कुछ सप्लीमेंट गिफ्ट करूँगा। चलिए, सो दैट वॉज प्रिटी मच इट। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।